हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश के संबंधित होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो जो ग्वालियर का किला था उसका निर्माण कराया था सूरज सेन ने। अगला, ब्रेडरी नामक जाति का बारह सिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। अगला, मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है, तो वो की जाती है छिंदवाड़ा से। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी, तो वो थी उज्जैनी। अगला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब किस जिले में आता है, तो वो आता है उमरिया जिले में। अगला, मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है, तो स्थित है भोपाल में। अगला, किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है, तो वो सहरिया। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में इंदौर को कहा जाता है कपड़ों का शहर। अगला, कौन सा नगर ताम्र पाषाण युगिन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो वो है नबदा टोली इंदौर। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया है, तो वो दिया गया है सामाजिक सेवाओं के लिए। अगला, 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया, तो वो है विदर्भ। अगला, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था बानपुर और सागर में। अगला, धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था, तो वो करवाया था मोहम्मद तुगलक ने। अगला फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है, तो वो है ग्वालियर में। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो वो है जबलपुर संभाग। अगला, मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा होती है, तो वो होती है 23%। अगला, झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1935 में चलाया गया था। अगला, कपिल धाराबाद दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में है, तो वो है शहडोल में। अगला, निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है, तो वो होता है बैतूल से। अगला, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, तो वो है गजरा राजे चिकित्सा महाविश्वविद्यालय ग्वालियर में। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मंडला में। अगला, मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया, तो वो किया गया झातला नीमच में। अगला, 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ, तो वो हुआ था जबलपुर। अगला, मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ पर IIT और IIM विश्वविद्यालय खोले गए, तो वो है इंदौर। अगला, मध्य भारत पर हूणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था, तो वो किया था 6वीं शताब्दी में। अगला, मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है, तो वो है मालवा। अगला, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश उत्सव होता है दिल्ली में। अगला, मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तो वो है बौद्ध। अगला, पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो वो है फासिल। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में एस्बेस्टास किस जिले में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है झाबुआ में। अगला, किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को। अगला, एक खपड़ी पानी पहाड़ में कौन सा अयस्क निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है बॉक्साइट। अगला, मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो वो गुजरते हैं 18। अगला, मालवा के पठार में सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो वो है जनापाव। अगला, कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो रानी दुर्गावती। अगला, विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब कराया था, तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य कराया था।
अगला प्रदेश में कोरडम निम्न में से कौन से जिले में है? तो वो सीधी। अगला नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ब्यागराज। अगला किस नदी को चरमावती के नाम से जाना जाता है? तो वो है चंबल। अगला क्वेश्चन है कि धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया बड़वानी में। अगला खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है? तो वो है सातवां। अगला मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन? तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो वो होता है होशंगाबाद में। अगला मध्य प्रदेश में कहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है? तो वो पर रहता है पचमढ़ी। अगला है मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो वो है मालवा। अगला मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? तो वो है गुजरात। अगला मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? तो वो है नीमच। अगला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत साझेदारी है? तो वो है 57%। अगला मध्य प्रदेश में से किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है? तो वो है खैरबार। अगला है कि चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? चंदेरी इसलिए प्रसिद्ध है साड़ियों के लिए। अगला मध्य प्रदेश में रतलाम नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र हैं? तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अगला मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? तो 0.25 हेक्टेयर। अगला बैगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है डीएन मजूमदार। अगला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? तो वो ओरछा। अगला राज्य में नगरीकरण की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? तो 20.3। अगला मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो इंदरगढ़। अगला मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ पर है? तो वो है ग्वालियर में। अगला मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था? तो वो था बुरहानपुर। अगला कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो वो था नबदा टोली इंदौर। अगला मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का प्रमुख नगर था? तो वो था अजयगढ़। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है? तो वो है चंबल नदी। अगला किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय। अगला हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो वो स्थित है विदिशा में। अगला मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है? तो वो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 25 जनवरी 1994 को। अगला निम्न में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया? तो वो जबलपुर। अगला देश का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है अमरकंटक। अगला है दोस्तों क्वेश्चन हमारा कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकलता है? तो वो है मलाजखंड बालाघाट में। अगला सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो 4 भागों में। अगला मध्य प्रदेश में कौन से जिले का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? तो वो है भिंड मुरैना। अगला ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध स्थल कायथा किसके समीप है? उज्जैन के समीप है। अगला मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो वो 26वां। अगला मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो वो रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। अगला जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो जबलपुर। अगला मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो शिवपुरी में रहता है। अगला मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। अगला निम्न में से किस नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है? तो वो नर्मदा नदी पर। अगला सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया? तो बिरला कारपोरेशन द्वारा। अगला मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लम सेना विवाह तथा प्रथा प्रचलित है? तो बैगा। अगला मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो इंदौर में।
अगला, मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ है? ग्वालियर में। अगला, मध्य प्रदेश राज्य में बैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ पर है? तो वो सतना में। अगला, मध्य प्रदेश में कोल्ड सॉरी कोल बेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उज्जैन में। अगला, मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो बना हुआ बेतवा नदी पर। अगला, 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो सिंहदेव समिति द्वारा। अगला, हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो विदिशा में। अगला, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस के जिले में पाया जाता है? वो झाबुआ में पाया जाता है। अगला, निम्न में से किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश ने। अगला, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई? तो वो हुई रीवा। अगला, मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो वो है बैतूल में। अगला, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली ISO द्वारा प्रमाणित जेल है? तो भोपाल। अगला, निम्न में से किस शहर में पशुपतिनाथ का मंदिर है? तो वो है मंदसौर में। अगला, ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया गया जाता है? तो वो किया जाता है भोपाल में। अगला, किस जनजाति का संबंध गोल गधेड़ों विवाह से है? तो वो है भील। अगला क्वेश्चन है कि राजा महिष्मत ने नर्मदा के किनारे महिष्मती महेश्वर की स्थापना की, वे किस वंश के थे? तो वो थे वंश के। अगला, ब्रेडरी नामक जाति का 12 सिंह केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? कान्हा के जिले में। अगला, प्रदेश का पहला हिंदी मासिक नवजीवन कब प्रकाशित हुआ? तो हुआ था 1915 में। अगला, मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा प्रदान करती है? तो वो चंबल नदी। अगला, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो रायसेन जिले का एक मुरा नामक गांव। अगला, मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई? तो सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। अगला, नागदा उज्जैन के निकट से किस धातु के संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो बोल लहो। अगला, सिंगरौली जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया? तो 24 मई 2008 को आया था। अगला, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन से मंदिर कहाँ पर है? तो वो है भूमरा में। अगला, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो वो की गई थी ग्राम्य। अगला, मध्य प्रदेश के 47.6% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती काली मिट्टी। अगला, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो वो है प्रथम। अगला, देश का प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो शिवपुरी में। अगला, गोंड जनजाति के भाग नहीं है तो हलवा गोंड। अगला, श्योपुर किस संभाग में शामिल है? तो वो है चंबल। अगला, देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है उज्जैन में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए।